भाजपा सांसद ने 550 से अधिक महिलाओं को दिखाई द केरल स्टोरी फिल्म, बताई ये वजह। महिलाओं और लड़कियों को सामाजिक रूप से जागरूक और लव जिहाद जैसे विषय से रूबरू कराने को लगातार पहल देखी जा रही है। इसी के तहत राजधानी रांची में भाजपा सांसद संजय सेठ के द्वारा 550 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई जा रही है। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि सामाजिक दरिंदों के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक मुहिम के तहत द केरल स्टोरी फिल्म दिखाकर महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने की पहल और प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारी बहन बेटियां इस तरह के विषयों के वास्तविकता से पूर्ण रूप से रूबरू हो सके और हमारी बेटियों को फंसाना, फुसलाना, उसके बाद शादी करना, लव जिहाद करना, हत्या करना। आप देखो, एक मॉडलर थी, उसको कैसे उसने जंगल में फंसाया, फिर उसके बाद उसको प्रताड़ित किया, कई हत्याएं हो रही हैं। आप संथाल में चले जाओ पाकुड़ साहेबगंज, पूरी डेमोक्रेसी बदल गई। तो ये बहुत बड़ा अभियान है इनका कि भोली भाली बेटियों को फंसाओ, अपने चंगुल में रखो, चंगुल लेने के बाद शादी करो, उनसे शारीरिक शोषण करो और उसके बाद उनको कहीं जनपति बनवाओ, उसके बाद उनकी संपत्ति हड़प दो। अगर वह इस्लामिक धर्म नहीं अपनाता है, अपनाती है, उसको हत्या कर दो। तो उसके खिलाफ देश एकजुट हुआ है और जो केरला स्टोरी है वो रियल पिक्चर है। देश की जनता, देश की बेटियां देख रही है और एजुकेट हो रही है और इसके माध्यम से एकदम जीवन चित्रण है। ये कोई सिनेमा नहीं है, ये समाज को सुधारने के लिए व्यापक तौर पर एक एक पिक्चर का रूप दिया गया है जिसमें 100% सच्चाई है। और जब बेटियां देखेंगी, हमारी बेटी, हमारी बहनें देखेंगी, एजुकेट होंगी, उनको सच्चाई पता चलेगी। झारखंड में लगातार लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, यहाँ नितांत जरूरी है लगातार ये अभियान। मैंने भी पिछले तीसरा शो है, आगे लगातार ऐसा शो करते रहेंगे ताकि हमारी बेटियाँ जागृत हो और दुर्गा का रूप ले, दुर्गा का रूप ले। अगर ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत तुरंत एक्शन का रिएक्शन हो और ऐसे लोगों की सजा जेल में, शिक्षों में होनी चाहिए, वो बाहर नहीं निकलेंगे। ये दरिंदे हैं, ये समाज के नाम पर राक्षस है, भेड़िए हैं। भेड़ियों की जगह जंगल में होती है, भेड़ियों की जगह कारावास में होती है। आज इसीलिए केरला स्टोरी हम सब, हमारी दीदियाँ नेतृत्व कर रही हैं, उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ आज केरला स्टोरी देखेंगे।